हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे मैंने बोला था कि हमारा विकिपीडिया में ऑन पैसिव का ऐड हो गया, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा विकिपीडिया में आ गया, क्योंकि सभी लोग किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले विकिपीडिया सर्च करते हैं, क्योंकि विकिपीडिया सब चीज़ का एक मतलब क्या बोलते हैं, सब डिटेल्स वहाँ पर, सब कुछ का डिटेल्स वहाँ पर मिल जाते हैं विकिपीडिया पर। ठीक है, तो वहाँ पर देखो हमारा विकिपीडिया के ऑन पैसिव ऐड हो गया। ठीक है, ये आप सर्च करोगे क्या, ये मैं दिखा देता हूँ, आप सर्च करोगे विकिपीडिया ऑन पैसिव करके, तो ये जो पहला तो हमारा ऑन पैसिव का इतना अच्छा। अब बोलोगे पहले ये नहीं क्यों आया, पहले ये आया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एसईओ ऑन पैसिव कंपनी का जो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है कि विकिपीडिया लिखने के बाद हमारा वेबसाइट पहले आ रहा है, दोनों वेबसाइट उसके बाद विकिपीडिया का आ रहा है। तो जो भी है ये आ गया, मैंने पहले ये वाला दिखा देता हूँ एक्चुअली ऑन पैसिव का असली वाला, फिर हम वो दुबई मेट्रो वाला दिखा देते हैं। असली वाला मतलब ये ऑन पैसिव का है पर्टिकुलर, तो यहाँ पे बताएंगे आपको इस वीडियो में कि ऑन पैसिव के बारे में क्या लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, और इसके बाद आप इस चीज़ को भेज सकते हो, आप अगर किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हो तो इस लिंक भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, ये डायरेक्टली व्हाट्सएप शेयर पे मारोगे तो आपका लिंक मिल जाएगा, या शेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ये जो कॉपी लिंक है ऑप्शन देख पा रहे हो, कॉपी लिंक, यहाँ पे क्लिक करोगे, लिंक कॉपी करके किसी को भेज सकते हो जो जानते हैं, या ट्रांसलेट करके भी वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये देखो, बांग्ला में मारता हो तो बंगाली लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेट हो जाएगा। जो भी है, मैं बात करता हूँ ऑन पैसिव के बारे में, चलो स्टार्ट करते हैं कि ऑन पैसिव के बारे में क्या लिखा है। कि ऑन पैसिव इज अ ग्लोबल एआई पावर टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डेवलप्स मार्केटिंग का जो सोल्यूशन है वो डेवलप कर रही है। ये नहीं लिखा है कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, सीआरएम इंटरनेशनल बिजनेस सोल्यूशन एंड सिमिलर सॉफ्टवेयर, और भी ऐसे करके सॉफ्टवेयर बना रहा है ये कंपनी। इंडस्ट्री है सैस प्रोडक्ट, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट, मतलब जो पैसा दो सर्विस लो, ऐसा चीज़ एआई सॉफ्टवेयर भी बना रहा है। इसके अलावा फाउंडेड कितने में है, 2018, ओके। और फाउंडर्स कौन है, फाउंडर्स कौन फाउंड किया है, अशरफ मुफारे, मतलब एस सर एस मुफारे। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे है, मतलब दुबई के है। की पीपल कौन सा मेन मेन लोग काम कर रहा है, अशरफ मुफारे मतलब सीईओ है हमारा कंपनी का, मोहम्मद नजल आप जानते हो सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, माइकल कुरान है सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मोहम्मद मुरा सीआईओ चीफ इंजीनियरिंग ऑफ सीआईओ, मैं भूल जा रहा हूँ, तो जो भी है वो है, मैं बता नहीं सकता अभी, दिमाग पे नहीं आ रहा है सीआईओ का मतलब। उसके बाद लिखा ऑन पैसिव हेडक्वार्टर्स इन दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे, स्पेसिफिकली इन द बुर्ज खलीफा, मतलब ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई पे है, बुर्ज खलीफा पे। द कंपनी ऑल्सो एज लोकेटेड इन यूएसए पे है, इंडिया पे है, सिंगापुर पे है, बांग्लादेश पे है एंड इजिप्ट पर है। देखो इन द कंट्री पे है, ये सब बता दिया। ये कौन बनाया, कंपनी ने बनाया, हमने किसी ने नहीं बनाया, ये कंपनी बनाया। फिर हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री पे क्या लिखा हुआ है देखो, कि कंपनी फाउंड हुआ था 2018 अशरफ मुफारे ने फाउंड किया था इन सितंबर 2020 पे। ऑन पैसिव ओपन हुआ था फर्स्ट फैसिलिटी इन हैदराबाद इंडिया, तो फर्स्टली वो हैदराबाद पे ओपन हुआ। आफ्टर लॉन्च ऑफ दुबई मार्च 22, मतलब दुबई पे मार्च लॉन्च हुआ पर होने के बाद अनाउंस हो गया था हेडक्वार्टर्स बुर्ज खलीफा होंगे अपकमिंग डेज में। अप्रैल 22 में हम लोगों ने, मैं बता देता हूँ ऑन पैसिव के बारे में पूरी हिस्ट्री है, आप सभी जानते हो क्योंकि आप अगर फाउंडर्स हो, पार्ट हो ऑन पैसिव का, तो आप तो सभी जानते हो, लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि अप्रैल 22 में क्या हुआ था, कि हमारा यूएई में कैंपेन लॉन्च किया था, हेडक्वार्टर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, मार्केटिंग कैंपेन के बारे में, जो जैसे बुर्ज खलीफा में आया था ना, दुबई बुर्ज खलीफा वर्ल्ड हाईएस्ट ऑफिस, वो मैंने हमने लॉन्च किया था। एंड ऑफिस आर लोकेटेड एक्सटेंड ऑल प्रोमिनेंट एरिया दुबई। इसके बाद क्या हुआ, इंक्लूडिंग मीडिया स्क्रीन एंड दुबई मॉल। इसके बाद बुर्ज खलीफा लाइटिंग शो हुआ, एंड मीडिया स्क्रीन जो होता है ना, लाइटिंग शो दुबई मॉल पे जो चल रहा है कंटिन्यूस, वो हमने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया। इसके बारे में ये जो 9 है यहाँ पर लिखोगे तो इसके बारे में डिटेल्स है। ठीक है, ऑन पैटिव लॉन्चेस इन यूएई, ये खाली टाइम्स ने पोस्ट किया था। इसके बारे में जो न्यूज़ वगैरह होता है वो दिया हुआ है। ये देखो, ये भी दिखा देता हूँ कि कंपनी ऑल्सो हेल्ड 4 मोर प्रोजेक्शन इन मे 2022, मतलब मे में हमने और 4 प्रोजेक्शन किया था दुबई बुर्ज खलीफा पे। एंड 1 मोर वॉज हेल्ड इन जून डेडिकेटेड इन ऑफिशियल क्लोजर ओ फाउंडर। एंड जून पे एक हुआ था जो हमारा ओ फाउंडर क्लोज हुआ था, उसके बारे में बताया गया था। तो ये देखो ऑन पैसिव नाउ इज द टॉप, ये हमारा और एक लिंक दिया गया है। ठीक है,
सितंबर में क्या हुआ था, सितंबर में ऑन पैसिव लॉन्चेस इट्स न्यू हेडक्वार्टर्स इन यूएई एंड हैज रोल्ड आउट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म ओब्लिस्ट। तो सितंबर में ऑन पैसिव न्यू हेडक्वार्टर्स जो हमारे यूएई वो लॉन्च किया एंड रोल्ड आउट हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है, ओब्लिस्ट के बारे में एक बार प्रोजेक्शन हुआ था ना वो बता रहा था। और अभी ये आप 5 पे मारोगे तो ये खालिस टाइम्स का न्यूज़ के बारे में बता रहा है, 11 पे टाइप करोगे तो कैंपेन मिडिल ईस्ट पे जो है उसका लिंक दे रहा है। तो हर एक चीज़ का एक्सटर्नल लिंक ये ऐसे देता है, ठीक है। तेलंगाना न्यूज़ के बारे में यहाँ पर तेलंगाना टू के न्यूज़ के बारे में ये लिंक दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल लिंक बोलता है इसको। चलो तो ये क्या चीज़ है, मतलब हम ये क्यों आपको बता रहे हैं, ये आप इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को ऑन पैसिव के बारे में एक वीडियो में या एक पेज में जानना है तो ये देख लो, विकिपीडिया देख लो, तो विकिपीडिया में हर एक चीज़ का डिटेल्स रहता है, यानी ये ऐड होते जाएंगे कंटिन्यूसली, ये पेज बढ़ता जाएगा और भी डिटेल्स। तो किसी को अगर वो समझदार है, इंग्लिश पढ़े लिखे जानते हैं, वो समझ आते हैं उनको, तो वो ये लिंक भेज दोगे तो वो समझ आ जाएगा कि ऑन पैसिव क्या है, ठीक है। इन नवंबर 2022 ऑन पैसिव क्या किया था, पार्टनर किया था बीन स्पोर्ट्स के साथ एंड जिसका 5.4 बिलियन कस्टमर्स है, ठीक है, एंड वो लालीगा एंड यूएफए चैंपियंस पे वो टीवी पे दिखाता है, वो यही लिखा है डिटेल्स पे और कुछ नहीं, कि बीबीएन स्पोर्ट्स चैनल है इसका, 64 मैचेस हुआ था, 70 मिलियन टीवी सब्सक्राइबर है, ठीक है, एंड 40 मिलियन सोशल मीडिया पे लोग रहते हैं। इन द सेम मंथ ऑन पैसिव लॉन्चेस इट्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, हम वही मंथ पे क्या लॉन्च किए थे, क्योंकि याद है नवंबर 20 2022 पिछले साल, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कॉल क्या, ओमेल ओनेट एंड ओट्रीम, याद है हमारा लॉन्च किया था मोहम्मद कमल सर थे और सोहा मैम थे और हमारा जो हेड था वो क्या नाम था भूल गया, तो हमारा जो हेड था हेड हैदराबाद का वो लॉन्च किया था। ये देखो डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिंक एक्सटर्नल लिंक है, अगर जाना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या बताया कि इन जनवरी द दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ग्रांटेड द अल सबा मेट्रो स्टेशन टू ऑन पैसिव, तो हमारा मेट्रो स्टेशन नाम ऑन पैसिव हुआ, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। इन फरवरी 2020 इस साल में क्या हुआ, ओ मीडिया जो बेस्ट मोमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है फरवरी में, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। इसके बाद ऑन पैसिव पार्टिसिपेटेड इन द ग्लोबल फोरम एंटरप्रेन्योर 2023 में, जो ग्लोबल फोरम पे हमने पार्टिसिपेट किया है मार्च 10-11 पे, ठीक है, उसके बारे में वुमेन बिजनेस काउंसिल उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा और कुछ नहीं है अब तक, यहाँ पर ही है लास्ट एडिटेड 19 मिनट्स एगो लास्ट एडिट हुआ इसके बारे में, तो और भी कंटिन्यू देखना है। इसके बाद हमारा जो सुपरकर मजलिस के साथ हुआ है, दुबई पुलिस या दुबई में गवर्नमेंट रील सिनेमा, ये जो हुआ है इसके बारे में कंटिन्यूसली ऐड होते जाएंगे, देखना ये पेज कंटिन्यूसली बढ़ जाएगा। ये पर क्या लिखा हुआ है देखो, ऑपरेशन क्या किया, द कंपनी मेन ऑफिस इज लोकेटेड इन दुबई यूएई एंड टेक हब इज बेस्ड इन हैदराबाद। मेन हमारा ऑफिस का है कहां पर है, दुबई बुर्ज खलीफा है एंड टेक हब जो है वो हैदराबाद पे है इंडिया पे, एंड ग्लोबल ऑफिसेज आर लोकेटेड इन सिंगापुर एंड द यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बांग्लादेश एंड इजिप्ट पे है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सी ऑल्सो करके दिया हुआ है कि ऑन पैसिव मेट्रो के बारे में जानते हैं, दुबई मेट्रो कस्टमर सीआरएम कस्टमर रिलायंस एंड मैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल, तो ये हमारा नहीं चाहिए, ये जो रेफरेंस मैं इनको लिंक दिखा रहा था ये लिंक है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे जाते हैं दुबई मेट्रो पे, ठीक है, और थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक ही वीडियो में, ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे। ये दुबई मेट्रो के बारे में लिखा हुआ है कि ऑन पैसिव अल सफा नूर बैंक, पहले नाम था नूर बैंक उसके बाद अल सफा एंड वो चेंज होकर रेड लाइन पर है मेट्रो और वो चेंज होकर अभी नाम हो गया ऑन पैसिव, ठीक है। अभी यहाँ पर है कि लोकेशन दिखा रहा है, डिग्री वगैरह वो सब छोड़ दो, स्टेशन का कोड है 29 नंबर स्टेशन है और ओपन हुआ था 2010 पे। अभी ये पहले पिछले वाला स्टेशन है इक्विटी एंड उसके बगल मैंने उसके बाद स्टेशन है बिजनेस बे, ये दो स्टेशन के बीच में हमारा है दुबई मेट्रो का ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और इसके बारे में लिखा है कि देखो ये जो हमारा ऑन पैसिव जनवरी 11-22 में हमारा ओपन हो गया, इट इज़ लोकेटेड शेख जायद रोड पे है, आप जानते सभी लोग हो कि नियर मेजर जंक्शन आल मनारा स्ट्रीट पर है, नियर बाय आसपास में क्या है मेट्रो स्टेशन का, कुवस बस स्टेशन है, काइट बीच है, ओएसिस मॉल है एंड द टाइम स्क्वायर सेंटर है, ठीक है, एंड एज वेल एज ऑल कुवस सराउंडिंग नेबर्स इंक्लूड इनोवेस अल सफा छोड़ दो ये सब, ठीक है। अल सफा मेट्रो स्टेशन विल रिब्रांडेड एज ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन फॉर 10 ईयर्स,
ये चीज को ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। देखो, अल सपा मेट्रो स्टेशन विल रिब्रांडेड एज ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन फॉर 10 ईयर्स अंटिल 2033 मतलब 10 साल के लिए हमने लिया है, ठीक है। यही डिटेल्स है, अभी ऑन पैसिव बारे में यहाँ से ही तो दिखा था, और इसके बारे में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया या पेपर में है वो ही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया, ऑन पैसिव धीरे धीरे सबको पहुँच आ रहा है, विकिपीडिया सभी लोग सोर्स करते हैं क्योंकि विकिपीडिया में एग्जैक्ट ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए सभी लोग विकिपीडिया सर्च करते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो पीडीएफ वाला चीज़ है, यहाँ पे अगर पीडीएफ चाहते हो तो शायद यहाँ पे पीडीएफ क्लिक करोगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये देखो पीडीएफ आ रहा है, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ पेज पे ऑन पैसिव में पूरा चीज़ आ गया। अगर सेव करना चाहते हो तो सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके, ये जो पीडीएफ ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो वाला ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना तो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा। किसी को भेजना चाहते हो तो ऐसे पीडीएफ भेज सकते हो, लिंक भी भेज सकते हो, कैसे लिंक भेजोगे वो भी दिखा दिया कि यहाँ पे क्लिक करके शेयर पे जाओगे तो आपको लिंक भी भेज सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन रहता है, ये देखो मोर पे जाओगे तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप ऑप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप क्रोम जो भी जहां पर भी भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करो, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो शेयर करना लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।